आज हम यहाँ पर देखेंगे डाइस पासा रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। ठीक है, तो पासा जो है तीन टाइप का पासा होता है। एक स्टैंडर्ड डाइस मीन्स मानक पासा, जनरल डाइस मीन्स सामान्य पासा, ओपन डाइस मीन्स खुला पासा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मानक पासा। मानक पासा को पहचानते कैसे हैं स्टैंडर्ड डाइस को? इसके लिए एक रूल है, एडजेसेंट सरफेस डजंट बी सम डजंट इक्वल टू 7। मीन्स जो बाहर का तरफ हम लोग सबसे पहले तो डाइस जो लेते हैं, डाइस का हम लोग को ओनली 3 सरफेस ही दिखता है, 3 सरफेस नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसका रूल यह है कि एडजेसेंट सरफेस डजंट इक्वल टू 7, मतलब जो बाहर का जो दिखता रहेगा वो उसका सम जो है 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अपोजिट सरफेस सम मस्ट बी इक्वल टू 7। तो क्या होगा, जो उसका अपोजिट सरफेस होगा वो 7 के इक्वल होना चाहिए। मीन्स जो दिखता रहेगा वो क्या होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, तो उसका अपोजिट जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, मीन्स ये मानक पासा पहचानने का तरीका है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट 3 to 1। अब देखो इसमें अगर किसी दो दो को या तीनों को भी अगर जोड़ते हैं तो सम क्या है, 7 नहीं हो रहा है। मीन्स यहाँ पे दो दो सरफेस को जोड़ना रहता है, तो अगर 7 होता है तो क्या है, ये हो जाता है जो, तो जनरल डाइस हो जाता है। ठीक है, तो ये 7 नहीं होगा तो क्या होगा, ये स्टैंडर्ड डाइस होगा, मीन्स मानक पासा होगा। तो देखो यहाँ पे ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा, तो क्या होगा, ये हम लोग का जनरल डाइस है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड अपोजिट सरफेस ऑफ 1। हम लोग को अपोजिट सरफेस 1 का पाना है, तो अपोजिट सरफेस क्या होगा, 7 के इक्वल होना चाहिए। मीन्स 1 का जो अपोजिट सरफेस होगा वो क्या होगा, 6 होगा। कैसे, मीन्स ये 7 के इक्वल होने, तो 1 + 6 मीन्स जो दिया है प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मीन्स 1 का जो अपोजिट सरफेस है वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग 3 का निकालना चाहें तो 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 2 का निकालना चाहें तो क्या होगा, 5 होगा। मीन्स इसका देखो अगर सम करेंगे तो 7 आएगा, इसका सम करेंगे तो 7 आएगा, 1 का अगर सम करेंगे तो 7 आएगा। मीन्स 1 का जो अपोजिट सरफेस है वो क्या है, 6 है। वैसे ही यहाँ पे अपोजिट सरफेस किसका पूछा है, 6 का पूछा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये हम लोग को पहचानना होता है कि ये मानक पासा है कि नहीं। ठीक है, तो मानक पासा है क्योंकि अगर हम लोग किसी दो सरफेस को जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा, मीन्स ये मानक पासा है। अब हम लोग को जो इसका अपोजिट होगा वो 7 होगा, मीन्स इसमें हमेशा अपोजिट सरफेस ही पूछता है। ठीक है, तो अब देखो 6 का अपोजिट सरफेस क्या होगा, 1 होगा। अगर यहाँ पे हम लोग 2 का निकालना चाहें तो क्या होगा, 5 होगा। अगर 4 का निकालना चाहे तो क्या होगा, 3 होगा। ये तो बहुत इजी है। ठीक, अब देखते हैं जनरल डाइस मीन्स खुला सामान्य पासा। सामान्य पासा को हम लोग कैसे पहचानते हैं, एडजेसेंट सरफेस सम इक्वल टू 7। ठीक है, मीन्स जो बाहर का जो दिखता रहेगा वो इसका इक्वल अगर 7 है तो ठीक है। मीन्स किसी दो सरफेस को अगर जोड़ेंगे, अगर इक्वल में 7 है तो ये क्या होगा, मानक ये जनरल पासा जनरल डाइस होगा, मीन्स सामान्य पासा होगा। ठीक है, और अपोजिट सरफेस इक्वल टू 7 नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सामान्य पासा में ये होता है कि हम लोग फिक्स नहीं बता सकते कि ये क्या क्या आएगा। ठीक है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसका ये आ सकता है या फिर तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है। स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग डायरेक्टली बता देंगे कि क्या होगा, लेकिन जनरल डाइस को हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते कि क्या होगा। ठीक है, बस ये एक तो रूल है कि जो आगे में दिखता है वो नहीं होना चाहिए, मीन्स जो एड्रेसन सरफेस पे होगा वो नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर इसका अगर इसमें पूछा है 1 का अपोजिट सरफेस, तो 1 का अपोजिट सरफेस क्या क्या नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। मीन्स इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। अगर 2 का भी निकाले तो क्या होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, जो दिख रहा है उसका कुछ कर नहीं सकते। वैसे ही यहाँ पे किसका पूछा है, यहाँ पे पूछा है 6 का अपोजिट सरफेस, यहाँ पे 3 दिया, यहाँ 4 दिया, मीन्स 3 और 4 तो होगा नहीं। ठीक है, मीन्स जो दिख रहा है वो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। ये जनरल डाइस का एक तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा। वैसे ही 3 का अगर चाहें तो क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा। ठीक है, अगर 4 का निकालें
तो क्या होगा, या तो वन होगा, या तो थ्री, या तो टू होगा, या तो फाइव होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसमें से तीनों में से एक ऑप्शन रहेगा ही, ये श्योर है, ठीक है। हाँ आप देखते हैं, मान लो दो डाइस दे दिया, ठीक है, दो डाइस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे फाइव, इसमें पूछा गया है अपोजिट सरफेस ऑफ थ्री। अगर इस सरफेस पे क्या है, फाइव है, इस सरफेस में भी फाइव है, इस सरफेस में टू है, इस सरफेस में भी टू है, तो इसका अपोजिट जस्ट इस सरफेस के क्या होगा, ये सरफेस पे है वो उसका अपोजिट होगा, मीन्स थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप देखो यहाँ पे क्या पूछा है, अपोजिट सरफेस ऑफ टू एंड वन, ठीक है, अपोजिट सरफेस ऑफ थ्री पूछा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेम सरफेस पे दिया है, यहाँ पे लेकिन अलग अलग सरफेस पे दे दिया है, ठीक है, फिर भी से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर पूछेगा थ्री का पूछा है तो क्या होगा, फोर का तो फोर, ये तो छूट जाएगा, ये सरफेस पे है, फिर भी से यहाँ पे थ्री का जो अपोजिट सरफेस होगा वो क्या होगा, फाइव होगा, और वन का जो अपोजिट सरफेस है वो क्या होगा, टू होगा, ठीक है, समझ आया। मीन्स एक सरफेस पे दिया है तो बाकी सरफेस क्या होगा, उसका अपोजिट सरफेस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों सरफेस सेम सरफेस पे दिया है तो यहाँ पे ऐसा आया मत सोचना, यहाँ पे भी वही होगा, मीन्स अलग अलग सरफेस पे दिया है, ये इस सरफेस पे दिया लेकिन इस सरफेस पे तो टू है, इस सरफेस पे है, ठीक है, फिर भी से कोई दिक्कत नहीं है, ये जो ये फोर है, यहाँ भी फोर है, तो इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे टाइप से क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करना आ जाएगा, इजी इजी है, ठीक है। अब देखते हैं ओपन डाइस, ओपन डाइस तो सबसे इजी है, ठीक है, इसमें इसका अगर हम लोग को किसी का भी अपोजिट सरफेस पूछ देगा तो बहुत इजी से निकाल सकते हैं, इजी वे है। जैसे ये फोर का है तो फोर का अपोजिट सरफेस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, मीन्स एक छोड़ के उसका अपोजिट रहता है, तो सिक्स का अपोजिट क्या होगा, फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका थ्री का अपोजिट क्या होगा जी, थ्री का अपोजिट टू हो जाएगा, मीन्स फोर का अपोजिट क्या है, वन है, सिक्स का अपोजिट क्या है, फाइव है, थ्री का अपोजिट क्या है, टू है, ठीक, बहुत इजी है। अब देखो इसका क्या होगा, वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, टू का अपोजिट क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, मीन्स एक छोड़ के, तो सिक्स का अपोजिट क्या होगा, फाइव का अपोजिट सिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वन का अपोजिट थ्री, टू का अपोजिट फोर, फाइव का अपोजिट सिक्स। हाँ अब देखो इसका क्या होगा, यहाँ सिक्स का अपोजिट क्या होगा, टू होगा, थ्री का अपोजिट क्या होगा, फोर होगा, तो वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, सिक्स का अपोजिट टू, थ्री का अपोजिट फोर, वन का अपोजिट फाइव। ये ओपन डाइस बहुत ही इजी है, ठीक है, थैंक यू।